अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। आज फिर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर के, बिटकॉइन की क्या अपडेट है। और यहाँ पर हमने इसका वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये सारे पॉइंट यस्टरडे वाली वीडियो में मैंने आपको मेंशन करके बता दिए थे कि जब भी मार्केट इस जोन से होकर गई है तो इसको एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पहली बार यहाँ पर रिजेक्शन हुई थी तो यहाँ पर मार्केट 60,000 तक आती हुई नजर आई थी, और जब सेकंड टाइम आई फिर 57, और थर्ड टाइम 53, और फोर्थ टाइम यहाँ पर 48, और यहाँ पर फिफ्थ टाइम जो कि आरडी यहाँ से थोड़ी सी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर फिर से यहाँ पर रिजेक्शन होती है तो क्या ये 45,000 तक आ सकता है, तो इसके ऊपर हम आज फिर से डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिये, मैंने आपको बताया था कि जब ये लेवल से ब्रेक डाउन हुआ तो आपको मार्केट यहाँ पर 65 से लेकर 63,000 तक आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा जो कि क्लियर है यहाँ पर। तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फिलअप करने आ सकती है। अगर ये फिलअप हुआ तो नीचे वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है तो ये भी फिलअप कर सकती है। तो मार्केट के पास अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलते हैं तो मार्केट फिर इस लेवल तक आ सकती है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से डाउन गई, अगर मार्केट जाती है यहाँ से डाउन, यहाँ पर अगर इस लेवल से नहीं रुक पाती तो मार्केट मजीद इस लेवल तक आ सकती है जो कि 60 का लेवल बन रहा है हमारे पास। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे हैं और यहाँ पर जो वेव्स हैं और वेंचर कैपिटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर तो इतना जोर लगा के मार्केट को नीचे नहीं लेकर आ सकते जब तक वेंचर कैपिटल यहाँ पर ना जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी टेक्निकली तौर के ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर RSI जो कि हमने रात को लाइव सेशन में देख लिया था कि यहाँ पर हमें डाउन साइड पे दिखा रहा है। अगर देखें यहाँ पर मार्केट हमें यहाँ पर अप साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप इस लेवल पे देखें जो कि मैं यहाँ पर आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, ये वाला लेवल, और यहाँ पर आप देखें यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा रही है और RSI यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ रही है। ये RSI यहाँ पर हमें डाउन साइड की तरफ बता रही है। तो इसका क्या मतलब है, जब भी RSI आपको डाउन साइड पे हो और मार्केट अप साइड पे जाती हुई नजर आए तो इसका मतलब यही होता है कि मार्केट को वहां से डाउन साइड की तरफ जाना है। और रात वाले लाइव सेशन में मैंने बता भी दिया था कि अगर ये यहाँ से रिजेक्शन मिली तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ आ सकती है। 66,000 के ऊपर यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर एक छोटा सा सपोर्ट का लेवल है इसको मिल रहा। अगर यहाँ पर रुक पाया तो ठीक है, नहीं रुका तो फिर ये नीचे आएगा जो मैंने आपको बताया था, 65 से लेके 64,000 के लेवल तक आ सकता है। तो वही बात है, अगर वो उस लेवल पर आया तो इसका मतलब यही है कि हमारी वो जो ट्रेंड लाइन है वो टेस्ट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली ट्रेंड लाइन अभी तक टेस्ट नहीं हुई जो कि इसको टेस्ट करना है। देखे ना, यहाँ पर अभी एक यहाँ पर टेस्ट हुई थी, उसके बाद इस लेवल पर टेस्ट हुई, अब थर्ड टाइम भी तो इसको टेस्ट करना ही करना है। तो अगर यहाँ पर रिजेक्शन इसको मजीद मिली तो आपको मार्केट इस लेवल पर आती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है इस लेवल पे आ जाए, हो सकता है इस लेवल पे आ जाए, इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकती है। और अगर यहाँ पर स्टे कर गई तो मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी, अगर ना की तो मार्केट नीचे गिरेगी। तो ये वाले लेवल आपको यहाँ पर लाजमी टच होता हुआ नजर आएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको ये भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर हर चीज देखने के बाद मुझे पता चल रही है। देखिए, अगर आप इसको दो और एंगल से देखना चाहें वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको सबको रिमूव करता हूं तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मुझे यहां पर एक राइजिंग वेज भी देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहां पर क्लियर कट देख सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे यहां पर आपको फॉलिंग वेज भी देखने को मिलेगा, यस फॉलिंग वेज भी यहाँ पर बन रहा है, लेकिन वो मंथली चार्ट के ऊपर बन रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक राइजिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, और राइजिंग वेज पैटर्न अमूमन ऐसा होता है कि वो एक बीरिश पैटर्न होता है और मार्केट वहां से नीचे की तरफ आती है। अगर आप इसको मंथली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं तो मंथली चार्ट तब भी अगर आपको मैं डाटा दिखाऊं तो वहां पर हमें जो है यहाँ पर एक फॉलिंग वेज की तरह हमें नजर आता है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें एक वेज की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इसको ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर देखें एक वेज की तरह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन साइड की तरफ आपको इस तरह बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वेज की तरह, और वैसे भी अगर आप इसको देखते हो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक बुलिश फ्लैग भी बना रहा है, ठीक है। तो ये एक वेज पैटर्न है जिसको हम कहते हैं, और अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जो कि यहाँ पर क्लियर कट नजर आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, आप इसको वन डे पे देखें, वीकली पे भी देखेंगे तब भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ये बना हुआ है। तो ये कुछ साइन है जिससे अभी भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ज्यादा नहीं नीचे जाएगी। यहाँ पर अगर 64-65 से इसको सपोर्ट मिल गई तो मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करती हुई दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट उन फंडामेंटल्स को देखते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए सेंटिमेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर 71 के ऊपर यहाँ पर ग्रीड का लेवल चल रहा है, जो कि बाइंग जोन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको एहतियात करनी चाहिए,
और यहाँ पर अगर आप न्यूजेस की बात करें तो बैनल क्वामी सतह के ऊपर कोई खास न्यूजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फंडिंग देखें तो यहाँ पर आपको फंडिंग जो है अब यहाँ पर नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। पहले यहाँ पर पॉजिटिव थी, अब यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका ये भी साइन है कि मार्केट में लोग जो है शॉर्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो लिक्विडेशन की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, लिक्विडेशन देखते हैं 30 डेज के मुताबिक, वह यहाँ पर लिक्विडेशन जो मिल रही है, देखिए लॉन्ग वाले तो है ही नहीं और शॉर्ट वाले यहाँ पर कितने ज्यादा, सॉरी यहाँ पर शॉर्ट वाले है ही नहीं, लॉन्ग वाले देखिए कितने ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट यहाँ पर लॉन्ग वालों को यहाँ पर लिक्विडेट करेगी, ठीक है। तो लॉन्ग वालों का मतलब ये है कि मार्केट को यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग की हुई है उन लोगों को यहाँ पर लिक्विडेट करने चाह रही है मार्केट। तो हो सकता है मार्केट जो है इन सबको यहाँ पर लिक्विडेट करे, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, ये जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है, सबके सब यहाँ पर लिक्विडेट होंगे। अब देखिए आपके माइंड में होगा लॉन्ग वालों की तो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए, तो उनके एसएल तो नीचे पड़े होते हैं ना, तो मार्केट ने क्या करना, उनके एसएल को टारगेट करेगी। तो मार्केट के चांसेस है ये वाला जो मैंने आपको लेवल बताया था ना 65,000 से लेकर 64,000, ये वाली लिक्विडिटी जो 2 बिलियन डॉलर के करीब बन रही है, तो मार्केट इसको लेने आ सकती है। अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप पे आते हैं तो यहाँ पर भी यही चीज आपको क्लियर हो जाएगी। वन मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें नीचे की तरफ काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, तो मार्केट चांसेस है ये सारी लिक्विडिटी ले सकती है। अगर आप इसको 3 मंथ के ऊपर देखते हैं तो लिक्विडिटी अब आपको वाजह तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगी, बट इतना नीचे नहीं आ सकती मार्केट, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो ये लेवल के ऊपर आपको लिक्विडिटी नजर आएगी, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ETF की बात करें तो ETF में अच्छा खासा पैसा यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर तकरीबन कल भी जो है $458 मिलियन का यहाँ पर जो है ETF में पैसा आया था। यहाँ पर आप देख सकें लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देखें तो मुसलसल यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा खासा इनफ्लो है, पहले इतना इनफ्लो कभी नहीं देखने को मिला जितना अभी है। और इसका ये मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टर पैसे पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन रिटेलर अभी पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है, और उनका बनता भी नहीं है, क्योंकि जिस जोन के ऊपर है ये तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन रिटेलर मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब तक वो लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, जो मैंने आपको बताया था वीकली कैंडल का आपने वेट करना है, कि वीकली कैंडल हमें यहाँ पर क्लोजिंग दे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि वीकली कैंडल का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, तो फिर हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर हमें अपसाइड की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको वीकली के ऊपर लेके आऊँ तो मुझे ये वीकली कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश होना चाह रही है तो कम से कम यहाँ पर मार्केट को चाहिए कि ये वाली कैंडल जो है कम से कम यहाँ पर क्लोजिंग दे, जो कि हमारे पास 70,000 से प्लस का लेवल बनता है। इस लेवल पे अगर ये क्लोजिंग दे देती है कैंडल, तो फिर हम यहाँ पर बुलिश मजीद हो जाएंगे, फिर इसका मतलब है कि ये हमें 76-78 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। बस इसके ऊपर क्लोजिंग देते, जरूरी नहीं कि इतना आ जाए, 70,000 भी आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, और अभी हमारे पास 2-3 दिन पड़े हुए हैं, तो 2-3 दिन में उम्मीद है कि ये ऊपर क्लोजिंग दे देगी। बाकी हेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर देखें सभी यहाँ पर जो है बिटकॉइन को लेकर बुलिश है, और यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि $70,000 का जो है लेवल ये ब्रेकआउट कर सकता है, और काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है बिटकॉइन के ऊपर, जो कि काफी अच्छी चीज है, और इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन के ऊपर अच्छा खासा। और अगर आप पोली मार्केट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी मेजर न्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर 62.1% में आ चुका है, और कमाला हैरिस 37.9% पे आ चुका है। तो इससे मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना क्रिप्टो का अपने आप को प्रेजिडेंट मानता है, और अभी इसने अपना टोकन भी लॉन्च कर दिया है, और इससे ये चीज समझ में आ जाती है कि वाकई जो है ये चाहता है कि अमेरिका के अंदर जो है क्रिप्टो का एक हब बनाया जाए। तो ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो रही है, तो अभी ये यहाँ पर करेक्शन करता है तो करने दे, लेकिन अभी आपको इसमें बाइंग शाइन का प्लान नहीं करना। बाइंग शाइन का प्लान करना है तो फिर आपको क्या करना, हमारे ये जो लाइव सेशन होते हैं ना इसमें आ जाए, इसमें मैं सब कुछ बताता रहता हूँ, आप यहाँ पर आके उसको फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।